हम बादों की इस रेल में, दुनिया को हम स्वर्ग बनाए खेल खेल में, खेल खेल में। पहला वादा बूंद बूंद कर तेल बचाए, तेल बचाए। जल है जीवन, आओ सबको ये समझाए, ये समझाए। दूसरा वादा पेड़ों पर हम फूल खिलाए, शुद्ध हवा से दुनिया को महकाए। एनर्जी देती हमको जीवन, जीवन नहीं गवाना है। खोल कर हर पिंजरे को, हमें हर पक्षी को उड़ाना है। एक थंकल एक कसम आज हम उठाते हैं, मातृभूमि की रक्षा में संरक्षण का दीप जलाते हैं, संरक्षण का दीप जलाते हैं। आँखों में है ख्वाब अनेकों, इन बच्चों की रेल में दुनिया को हम स्वर्ग बनाए खेल खेल में, खेल खेल में बदलो दुनिया। नमस्कार, मैं हूं विशाल। और मैं हूं अनु। और आपका स्वागत है मनोरंजन और ज्ञान के संगम में, जिसका नाम है खेल खेल में बदलो दुनिया। खेल खेल में बदलो दुनिया। क्या बात है अनु जी, कुछ दिनों से देख रहे हैं भाई आपका मूड कुछ ज्यादा ही ऑफ रह रहा है आजकल। वो तो होगा ही विशाल, तुमने आते हुए वो इतना बड़ा कचरे का ढेर नहीं देखा, कितनी बदबू फैलाता है। ओहो, तो आप उस लैंडफिल साइट की बात कर रही हैं। लेकिन मैडम, वो तो बस शहर के एक ही इलाके का कचरा है। एक ही इलाके से क्या मतलब? मतलब हम लोग इतना कचरा फैलाते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझी। अनुमान है कि एक साल में शहरी इलाकों से करीब 3 करोड़ टन ठोस कचरा निकलता है। लेकिन इस कूड़े कचरे से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर भी है। हैंग ऑन विशाल, कचरे से जुड़ी हुई और अच्छी खबर हो ही नहीं सकती। अजी बिल्कुल हो सकती है, ठोस कूड़े कचरे से अब बिजली भी बनाई जा सकती है। मतलब ये कूड़ा कचरा अब ऊर्जा का स्रोत भी है। You mean this is something best out of waste? You bet. इस कचरे से 1700 मेगावाट की बिजली बनाई जा सकती है, और विजयवाड़ा, हैदराबाद और लखनऊ में तो बनाई जा रही भी है। भाई मैं तो यही कहूंगी कि अगर ऐसा हो गया ना तो कहना है क्या। सबसे पहले तो उस कचरे की बदबू से छुटकारा मिल जाएगा और साथ में बिजली मिलेगी, वो अलग। और जरा ये सोचो कि इस कचरे को ठिकाने लगाने में जो ऊर्जा खपती है उसकी बचत भी होगी। एग्जैक्टली, और मेरे ख्याल से अगर उस बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल हम यहाँ कर ले अपने प्रोग्राम को शुरू करने में तो कैसा रहेगा। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस कार्यक्रम को, जिसका नाम है खेल खेल में बदलो दुनिया। खेल खेल में बदलो दुनिया। और लीजिए जनाब, मेल मिलाप के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के खेल की। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारी आज की टीम्स के साथ। हमारी आज की पहली टीम है टीम शक्ति, जो आई है SDVM पानीपत से। हमारी दूसरी टीम टीम रक्षक, जो आई है होप हॉल फाउंडेशन स्कूल दिल्ली से। साथ ही स्वागत है हमारे स्टूडियोज में मौजूद हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन ऑडियंस का। और साथ ही स्वागत हमारी मैस्कॉट, हमारी पहचान बूंद का। वेल, इंट्रोडक्शंस ओवर हो चुके हैं, अब बारी है खेल को जमाने की, शुरू करने की। तो फिर शुरुआत करते हैं उस पहले राउंड से, जिसका नाम है कुछ कर दिखाना है। वेल दोस्तों, कुछ कर दिखाना है हमारा एक परफॉर्मेंस बेस्ड राउंड है, जिसमें हमारी दोनों टीम्स एक एक करके आपके सामने परफॉर्म करेंगी और आप तक अपनी बात पहुंचाएंगी। सबसे पहले आमंत्रित करते हैं टीम शक्ति को। अरे भाई पेट्रोल, तुम इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? आजकल तो तुम्हारा ही बोलबाला है, तुम्ही से तो ये संसार चलता है। अरे भाई कोल, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा जीवन काल समाप्त होने वाला है और इंसान है कि मेरी कदर ही नहीं करता। कितना भी समझाओ बताओ, उसे मेरा मोल समझ में ही नहीं आता, बर्बाद करता रहता है मुझे। तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी अब अधिक समय तक इंसान का साथ निभाने वाला नहीं। मानव हमारा दुरुपयोग करके अपना ही भविष्य खतरे में डाल रहा है, हम तो निरंतर घटते जा रहे हैं। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। ये देखो, ये आ गई चम्मक छल्लो, अभी नई नई है ना, इसे ज्यादा इच्छा रही है। मैं चली देखो प्यार की गली। लो ये भी चल दी, अभी सड़क का मुंह देखा नहीं और बात करेगी ऐसे कि बस। आओ हाइड्रोजन और CNG, आज जो हमारे साथ हो रहा है वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इतराओ मत, संभल कर चलो। इम्तिया इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। बात तो तुम्हारी ठीक है, चाहे मैं हूँ या तुम, इंसान को हमारा इस्तेमाल बड़ी सूझबूझ से करना होगा। वैसे अब तो जमाना ये ही है,
हाँ हाँ क्यों नहीं सीएनजी बहन जी, आप प्रदूषण जो नहीं करती, आप तो बहुत अच्छी है ना। हाँ ये खूबी तो है मुझ में, पर मेरा उपयोग भी सोच समझ के होना चाहिए, आखिर ऊर्जा स्रोत हूँ मैं। हाँ सीएनजी ने ठीक कहा, मैं और सीएनजी प्रदूषण नहीं फैलाते, इसलिए मानव ने अब हमारा अधिक उपयोग करना शुरू कर दिया है। मैं तो कार ऐसे पर्राटे से दौड़ाऊंगी कि पूछो ही मत, और प्रदूषण निल बाय निल, और भविष्य में मुझसे कार चलाना ही सस्ता होगा। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि हम सब इतने महत्वपूर्ण हैं, सबकी अपनी अलग अलग जगह है, हम लोगों के लिए इतने उपयोगी हैं, पर न जाने क्यों मानव हमारी कद्र ही नहीं करता। अगर मानव इसी तरह हमारा दुरुपयोग करता रहा तो एक दिन जीवन से ऊर्जा खत्म हो जाएगी, उसका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं मानव हमारा सही उपयोग कब करेगा। अरे तुम क्यों चिंता करते हो, ये तो मानव के हाथ में है कि वो हमारा उपयोग कैसे करे। हम तो केवल उसे आगाह कर सकते हैं, यदि वो ऊर्जा स्रोतों का दुरुपयोग करेगा तो उसके जीवन की गाड़ी रुक जाएगी। हाँ यदि मानव एक बार ऊर्जा स्रोतों का दुरुपयोग करता है तो वह 100 कदम अपने विनाश की ओर आगे बढ़ाता है। समझे आप सभी? हाँ हाँ समझ गए। आओ आज के इस मानव को भी समझाएं। जिंदगी है एक सफर, बना लो इसे सुहाना, ऊर्जा स्रोतों को यूं ही मत गवाना, वरना हो जाएगी मुश्किल और रुक जाएंगे काम। चलाओ आप सब मिलकर ऊर्जा संरक्षण अभियान, चलाओ आप सब मिलकर ऊर्जा संरक्षण अभियान। तो जनाब टीम शक्ति ने तो ऊर्जा के संरक्षण की ये मुहिम हम तक पहुंचा दी, मगर देखते हैं रक्षक आज हमारे लिए क्या मैसेज लाए हैं। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, हजारों जानवर बेघर हुए हमारे जंगल की ओर कूच। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, महाराज की जय हो। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, महाराज की जय हो। क्यों रे बंदर, ये तो क्या अफवाहें फैला रहा है, दूसरे जंगल के जानवर आखिर हमारे जंगल में क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? ये बात बिल्कुल सच है महाराज, मैंने फॉरेस्ट ऑफिसर के टीवी पर एक खबर सुनी, टीवी पर बता रहे थे कि पड़ोसी जंगल में बड़ी तादाद में पेड़ काटे जाएंगे, कहते हैं कारखाना भी बनेगा और वहाँ काम करने वाले लोगों के लिए घर भी बनेंगे। यह बात किसी तरह से जंगल के जानवरों को पता लग गई और वो सब यहाँ रहने आ रहे हैं। महाराज मुझे तो ये खबर बिल्कुल अफवाह लगती है, अब देखिए ना इंसान ने जंगल का और जंगली प्राणियों का महत्व समझ लिया है, यहाँ तक कि पेड़ों की कटाई पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। तो फिर ये जंगल की कटाई वाली बात कहाँ से आई? मुझे तो इसमें पड़ोसी जंगल के राजा की चाल नजर आती है, वो अपने जानवर यहाँ भेजकर मेरी गद्दी हथियाना चाहता है, अब क्या किया जाए? महाराज हमें काम क्यों नहीं करते, क्यों ना फॉरेस्ट ऑफिसर से ही पूछ लिया जाए, उन्हें तो सब पता होगा। ये ठीक रहेगा, चलो वहीं चलिए। अरे महाराज आप, मुझे बुला लिया होता, बताइए क्या हुक्म है। अरे ये सब हम क्या सुन रहे हैं, ये जंगल की कटाई वाली खबरें और। अरे महाराज इन चैनल वालों की क्या, ये तो जो मर्जी हो दिखा देते हैं। पर मैडम बिना आँख के तो धुआं भी नहीं होता। हाँ हाँ ये बात भालू ने ठीक कही। साथियों आप लोग चिंता मत करो, हम लोग वनों और वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं, पर सच्चाई ये भी है कि बढ़ती आबादी और विकास के कारण तमाम जरूरतें पूरी करने के लिए हमें इन पेड़ों की कटाई भी करनी पड़ती है। लेकिन देखा देखा आ गई ना वही बात, आ गई ना वही बात। अरे मेरी बात तो सुनिए, आजकल बहुत जरूरी होने पर पेड़ काटने के लिए बाकायदा सरकारी परमिशन की जरूरत पड़ती है, और जितने पेड़ काटने हो उसे कभी अधिक संख्या में किसी दूसरी जगह पर पेड़ लगाने भी पड़ते हैं, इसीलिए बड़े पैमाने पे पेड़ों की कटाई का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत अच्छे भाई, तुम्हारा ये इंतजाम तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसकी वजह यह है कि अब हमने यानी इंसान ने जंगलों और उनमें रहने वाले तमाम जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का महत्व समझ लिया है, अब हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते जिसकी वजह से आपको तकलीफ पहुंचे या फिर आपका घर उजड़े। चलो फिर ये बात तो साफ हुई, तो फिर मैं ये खबर भी फैला देता हूँ। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, जंगल में हरियाली बनी रहे खुशहाली। Well, as they say, the swords are drawn. दोनों टीम्स ने अपनी अपनी तरफ से दांव तो खेल दिया है, अब चलते हैं जनता जनार्दन के पास जानने के लिए कि वो टीम शक्ति को कितने अंक देते हैं। Not bad at all. मगर जनाब ये बताइए कि अब रक्षक के लिए आपके पास क्या स्कोर्स हैं? जय अब्बा ठाकुर, तो जय जनता जनार्दन ने अपना वोट दे दिया है, अब चलते हैं बूंद के पास जानने के लिए कि पहले राउंड के स्कोर्स क्या हैं। इस राउंड
में शक्ति टीम को मिलते हैं 810 पॉइंट और रक्षक टीम को मिलते हैं 650 पॉइंट। जनाब इस राउंड के स्कोर्स तो ये कह रहे हैं कि आज टक्कर कांटे की होने वाली है, मगर इससे पहले कि ये खेल और आगे बढ़े, फिलहाल बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। खेल खेल में बदलो दुनिया। Surprisingly, people continue to look for ridiculous ways to save money. While one simple way is to drive sensibly. Use your clutch sparingly. Drive at speeds between 45 to 55. Switch your engine off at traffic red lights. That saves money. Save petrol. Save money. Okay. Petroleum Conservation Research Association. टायरों में वायु का दबाव ठीक रखें, इससे टायर कम घिसेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत। चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड जिसका नाम है दुनिया बदलने की बात। दोस्तों वर्षों के अनुसंधान और अनुभव के बाद कुछ ऐसी तकनीकी उपलब्धियां हासिल की गई जो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं, जिन पे हमने एक फिल्म बनाई है जो आप दोनों टीम्स को और आपको भी बड़े गौर से देखनी है क्योंकि इस पर बेस्ड है हमारे सवाल। तो ये रही वो क्लिपिंग आपके लिए। जिससे सारी दुनिया गतिमान है, उस तेल को धरती के गर्भ से बाहर लाना यानी तेल के कुएं खोदना एक बहुत ही जोखिम भरी और खर्चीली प्रक्रिया है जिसमें बड़ी मात्रा में समय और ऊर्जा खर्च होती है। ONGC द्वारा स्थापित और देहरादून में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसा संस्थान है जो खुदाई की प्रक्रिया को एनर्जी एफिशिएंट बनाने और इसमें लगने वाले समय को कम करने के उपायों पर कार्य कर रही है। Here in IDT, our main emphasis is that we should drill our wells, faster wells, safer wells and the better wells. Normally, on our own land rigs, a well is drilled in around 60 to 75 days. Our continuous efforts that this rig day should be curtailed and we can drill the well faster so that we can save the energy. A normal consumption of oil, diesel oil per day is about 2500 liters. If we can save 10 to 15 days per well, that means a lot of oil can be saved and that is the save of our energy. तेल के कुएं की खुदाई में drilling fluid का वही महत्व होता है जो इंसान के शरीर में खून का है। ये drilling fluid खुदाई के दौरान धरती के भीतर आने वाले complications को आसान कर देता है। जहां खुदाई की जाती है वहां धरती के बहुत नीचे से शेल्स के नमूने इकट्ठे करके उन पर अनुसंधान किया जाता है और फिर तय किया जाता है कि किस स्थान पर कौन सा फ्लूइड, जिसे तकनीकी भाषा में मड भी कहा जाता है, इस्तेमाल में लाया जाए। दरअसल ड्रिलिंग के दौरान बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे पुअर सीमेंटेशन, केविंग, ड्रिलिंग फ्लूइड या मड लॉस, शेल प्रॉब्लम, फॉर्मेशन का डैमेज होना, जमीन से नीचे कोई अन्य एक्टिविटी का होना और जिस बिट से ड्रिलिंग की जाती है उस बिट का घिस जाना। इसलिए ड्रिलिंग फ्लूइड या मड इस प्रकार का होना चाहिए जो खुदाई के दौरान आने वाली मुश्किलों को आसान कर सके। गंधार ऑयल फील्ड में ड्रिलिंग के दौरान ऐसी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा
और इसी के मद्देनजर यहाँ के वैज्ञानिकों ने एक नए ड्रिलिंग फ्लूइड पर काम शुरू किया। कड़े परिश्रम के बाद एक नया ड्रिलिंग फ्लूइड तैयार किया गया, जिसे KCL PHPA के नाम से जाना जाता है। इस नए फ्लूइड या मट को जब फील्ड में ट्राई किया गया तो आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। जहां एक ओर जमीन के भीतर आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल गया, तो वहीं दूसरी ओर ड्रिलिंग टाइम में भी बचत होने लगी। पहले जहां जिस ड्रिलिंग में 76 दिन का समय लगता था, वही काम इस नए फ्लूइड की मदद से 46 दिन में हो गया, यानी सीधे 30 दिन की बचत। Our cost of working operation is time related, 65% time related, and it comes to 4.5 lakh rupees per day operating cost. In that process, we made lot of savings. Overall completion became such a advantageous thing that we have made a saving of 1.2 to 1.5 crore rupees. सवा करोड़ रुपयों की बचत देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संदेश है। IDT देहरादून ने इस प्रकार एनर्जी एफिशिएंसी पर काम करके एक मिसाल कायम की है कि किस प्रकार किसी काम को कितनी कार्यकुशलता और ऊर्जा कुशलता के साथ किया जा सकता है। Well teams, फिल्म आपने देख ली। It is a buzz around 100 points for right answer, no negative marking, so please try to attempt and here we go। तेल के कुओं की खुदाई के दौरान किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? Poor cement, cementation, mud loss, formation damages and other activities. Like drill ka phans jana. Drill ka phans jana. Yeah, you got 100 points. That's the right answer. With a good smile. It came very late, but with a good smile. Nevertheless, Team Rakshak, jago Mohan pyare. Sawal number 2. Here we go. खुदाई के दौरान किस स्थान पर कौन सा फ्लूइड या मड इस्तेमाल में लाया जाए, ये कैसे तय किया जाता है? No takers. Team Rakshak. सबसे पहले shells extract किए जाते हैं और shell से पता किया जाता है कि drilling कहाँ पे करनी है और कौन सा fluid use करना है। Okay, now your answer was more or less towards the technicality to which we are looking. This is the right answer. 100 points. जहाँ खुदाई की जाती है वहाँ धरती के नीचे के शेल्स के नमूने इकट्ठे करने के बाद उन पर अनुसंधान किया जाता है, रिसर्च की जाती है उन पर, और फिर उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाता है कि वहां पर कौन सा फ्लूइड या फिर मड इस्तेमाल किया जाना है। सो एज दे से द बैलेंसिंग एक्ट इज द एक्ट ऑफ लाइफ। दोनों टीम्स ने एक एक आंसर का जवाब दिया है, लेकिन मगर एक क्वेश्चन और बाकी है। आमतौर पर तेल के एक कुएं की खुदाई में कितने दिन का समय और प्रतिदिन लगभग कितने लीटर डीजल खर्च होता है? Team Shakti. It's 2500 liters and it is, earlier it was 76 days, now it is 46 days. Well, this sums up to be 100 points. That's the right answer. Well, that's what they say the beauty of quizzing is. It was so close this time and had fun, man. Had very good time. Exactly. Competition was really tough. दोनों teams ने अपनी अपनी तरफ से बराबर कोशिश करी, मगर इस कोशिश का, इस round का result क्या रहा, पून जल्दी से बता दीजिए। इस round में शक्ति team को मिले हैं 200 points और रक्षक team को मिले हैं 100 points। तो साहब बूंद ने तो बता दिया कि ये राउंड कहां पर खत्म होता है, कितना एक्साइटिंग हुआ ये तो आपने देख ही लिया, लेकिन इसके बाद एक और बहुत प्यारा राउंड है, मगर उससे पहले है एक छोटा सा ब्रेक। खेल खेल में बदलो दुनिया। धन्यवाद बचावत जी। शहर पहली खुशी की लहर, पहली खुशी की लहर, मुस्कुराया घर घर सुनकर ये खबर, मुस्कुराया घर घर सुनकर ये खबर। वादा नहीं यकीन हद तर पाएंगे केरोसिन, वादा नहीं यकीन हद तर पाएंगे केरोसिन। नई जन केरोसिन परियोजना।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है और इस वक्त जैसा कि आप मेरे चेहरे के हाव भाव देखकर ही समझ गए होंगे, हम आ गए हैं अपने प्रोग्राम के उस पड़ाव पर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, यानी हमारे प्रोग्राम का तीसरा राउंड जिसका नाम है आपने क्या समझा। वेल टीम्स, ये हमारा सबसे इंटरेस्टिंग राउंड है, एज वी ऑलवेज से दैट। इसमें हम आपको 6 क्लूज देंगे, वो किसी से भी संबंधित हो सकते हैं, किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी प्रोडक्ट, किसी जानवर, किसी से भी। लेकिन इतना याद रखें कि इस राउंड में नेगेटिव मार्किंग है, हर गलत बजर आपके स्कोर में से 50 अंक ले जाएगा। मगर अगर कहीं आपने हमें पहले 2 क्लूज में ही पकड़ लिया तो आपको मिलेगा फुल हाउस ऑफ 600 पॉइंट्स। और अगर आप पहले 2 क्लू में नहीं पकड़ पाए तो हर क्लू के साथ 100-100 अंक कम होते जाएंगे। तो चलिए शुभ से शीघ्रम, पहला क्लू ध्यान से सुनिए। मैं प्रकाश फैलाने वाला एक आधुनिक साधन हूं। कोई नहीं, सोच लीजिए अगर सेकंड क्लू में दूसरी टीम ने बजर दबा दिया तो आप फंस जाएंगे। मगर ये भी सोचेगा जल्दबाजी कहीं आपके 50 पॉइंट्स ना ले उड़े। चलिए कोई बात नहीं, आपको सेकंड क्लू दे देते। मैं परंपरागत प्रकाश उपकरणों से अधिक एनर्जी एफिशिएंट हूं। सोचिए सोचिए, 600 पॉइंट्स का सवाल है जनाब। अरे ज्यादा मत सोचिए, गए भी तो 50 ही जाएंगे यार। नहीं, टेक अ चांस मैन। चलिए okay. हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्लू की तरफ। मेरे उपयोग से बिजली का बिल कम हो जाता है। अरे दबा दो वरना स्कोर कम हो जाएगा आपका। नहीं, कम ऑन, पिक इट अप। ओके नेवर माइंड, अब चौथे क्लू की तरफ चलते हैं। मतलब एकदम स्कोर वेरी वेरी लो स्कोरिंग हो जाएगा, कोई बात नहीं। चौथा क्लू है, मेरा नाम 3 अक्षरों का है। रक्षक, TFL। राइट आंसर। विशाल ने आपसे दूसरे राउंड में कहा था कि मोहन प्यारे जाग जाओ, मगर आप अब जागे, नेवर माइंड। देर है दुरुस्त। CFL यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ये इनकैंडेसेंट बल्ब्स की तुलना में 4 गुना अधिक रोशनी देते हैं। This is the answer we were looking at। और क्योंकि ये बहुत लो स्कोरिंग राउंड रहा है, इसलिए आपको टीम शक्ति हम कोई और विकल्प नहीं दे सकते। मगर विशाल, उन्हें कितने पॉइंट्स दिए ये तो बता दो। ये मेरे ख्याल से बूंद बताएगी तो बेहतर होगा। इस राउंड में शक्ति टीम को कुछ नहीं मिला और रक्षक टीम को मिले हैं 300 पॉइंट। जानते हैं छोटी छोटी बातें ना कभी कभी बहुत पते की साबित होती हैं। इसलिए चलिए हमारे साथ ध्यान से मिलकर देखिए हमारा अगला सेगमेंट जिसका नाम है एक छोटी सी बात। नमस्कार, आज मुझे अपनी गाड़ी पार्क करने में वाकई बहुत तकलीफ हुई, और तकलीफ इसलिए हुई क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी को तिरछी तरीके से उस एरिया में पार्क किया था जो नो पार्किंग होता है, और पार्किंग एरिया बाजू में ही था। नो पार्किंग एरिया में गाड़ी को पार्क करके इतनी तकलीफ लोगों को हो रही है, इसका अंदाजा भी आपको नहीं है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि समय की बर्बादी हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है, पेट्रोल की बर्बादी हो रही है, और सबसे ज्यादा लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है जिसका कोई ना कोई इलाज निकालना ही पड़ेगा। और इलाज सिर्फ ये है कि प्लीज प्लीज बहुत कॉशियस रहिए और उसी जगह अपनी गाड़ी को पार्क कीजिए जो पार्किंग एरिया में आता है। सब तकलीफ में हो, इसलिए आप लोगों को बदलना होगा, हमें बदलना होगा, सबको बदलना होगा। Well, अब छोटी सी बात के बाद बारी उन दर्शकों की जो अपने घरों में टेलीविजन सेट्स के माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं। आपके लिए हमारा आज का सवाल है, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? आपके ऑप्शन है सफेद कंदीय सब्जियां, हरे नारंगी और लाल रंग के फल व सब्जियां, दाल या अनाज। आपके जवाब 7 दिनों के भीतर हमें मिल जाने चाहिए। हमारा पता है खेल खेल में बदलो दुनिया, PCRA 10 भीगाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066। हमारा ईमेल आईडी है khel@pcra.org। आप अपने जवाब SMS द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9811771717। हमारे एपिसोड नंबर 120 के सवाल का सही जवाब है 6 महीने।
और सही जवाब भेजकर डिपार्टमेंट ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ओर से इनाम पाने वाले भाग्यशाली विजेता हैं मनीषा शर्मा दिल्ली से, लवलीन मोटवानी पुणे से ईमेल द्वारा, सौरभ सक्सेना अलीगढ़ से एसएमएस द्वारा, बीना कौशिक मुजफ्फरनगर से, पी गोविंदन कासरकोट से ईमेल द्वारा, अमोल जी गोरीवाली थाने से, पूजा पटना से एसएमएस द्वारा, संजीव कुमार बरेली से, विपुल वाडेकर इंदौर से ईमेल द्वारा, कृष्णा कुमार पूर्णिया से, उमा शंकर शाह दिल्ली से एसएमएस द्वारा, उत्तम सरकार जलपाईगुड़ी से और जगदीश प्रसाद थपलियाल पौड़ी गढ़वाल से। आज का इनामी पत्र हमें लिखा है के एस पटनायक ने बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। ये लिखते हैं कि आपके द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान एवं प्रयासों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऊर्जा संरक्षण के उपायों को अपनाकर ऊर्जा और पैसों की बचत हो रही है। अब ये मोमेंट आ जाता है जहाँ पर बूंद अपना सबसे कमाल का काम करती है, वो फाइनल स्कोर्स बताने का। बूंद, ज्यादा विलंब नहीं करते हैं, बताइए आज के फाइनल स्कोर्स क्या है। शक्ति टीम ने स्कोर किया है 1010 पॉइंट और रक्षक टीम का स्कोर है 1050 पॉइंट। टीम रक्षक बनी है हमारी आज की विनर, कंग्रेचुलेशंस। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलता है फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ओर से ये आकर्षक इनाम। कहते हैं बांटने से ज्ञान बढ़ता है, हम जितना भी जानते हैं आप तक जरूर पहुंचाते हैं। अगर कुछ ऐसा है जो आप भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए। तो साहब, अब तक हम लोग उस एक्साइटमेंट के दौर से उभर नहीं पा रहे हैं, आई एम श्योर आपको भी देखने में बहुत मजा आया होगा। वादा रहा कि अगले हफ्ते भी इतना ही एक्साइटिंग एपिसोड होगा और उसके आगे भी। हम आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार। हमारे साथ हमारी टीम्स की हौसला अफजाई के लिए आज यहाँ है मिस्टर के बी सिंह, अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।